हेलो दोस्तों, मैं रमनदीप आप सभी का यूपीएससी हिंदी के इस डेली अभ्यास की सीरीज़ में स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो मैं दोस्तों आप लोगों से बहुत ही मतलब माफ़ी चाहूंगा। माफ़ी इस कारणवश कि आप लोग जानते हो कि डे 6 के बाद से आज जो हमारी डे 7 की क्लास है वो बहुत दिनों बाद आ रही है। जो इसमें देरी हुई उसका जो कारण था दोस्तों यह था कि हम इस पूरे बैच को, जो पूरी सीरीज चल रही है, इसको सही से मैनेज नहीं कर पाए हैं अभी। लेकिन अब हमने यह डिसाइड किया कि आगे आने वाली सारी सीरीज जो है एक महीने तक मैं कंटिन्यू रखूंगा और उसके बाद जो है बाकी टीम इसमें इन्वॉल्व होगी। समस्या क्या, आप लोग देख रहे होंगे कि अभी हम लोग के साथ जो है सृजन की डेली आंसर राइटिंग क्लास चल रही है। वहां पर जो गौरव सर है वो डेली लाइव रह करके सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, आंसर राइटिंग अप्रोच को डिस्कस कर रहे हैं, ऐसे कैसे लिखा जाए, इन सब पर डिस्कशन हो रहा है। इसके साथ साथ हिंदी साहित्य के ऑप्शनल का जो अंकुरण का बैच है वो भी चल रहा है, तो सत्य प्रकाश सर वहाँ बिजी हैं। जो निशान सर है वो भी बाकी जो टीम के वर्क है उनको वहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। आंसर राइटिंग चल रही है, सीजन चल रहा है, मेंस की टेस्ट सीरीज चल रही है, एसए की टेस्ट सीरीज चल रही है, तो इन सब में पूरी जो टीम है वो थोड़ी व्यस्त हो चुकी है। लेकिन अब हमने यह डिसाइड किया कि इस सीरीज को हम लोग डेली 10 क्वेश्चन का जो सीरीज है उसको कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहली बात दोस्तों यह है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये कि आप लोग इस पूरी सीरीज को सपोर्ट करिए, अधिक से अधिक लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि हम लोग को जो मनोबल है वो मिले। और जब आप लोग ज़्यादा लाइक करेंगे, आप लोग ज़्यादा इसको व्यूज की ज़्यादा बढ़ाएंगे, तभी हम लोग का आप लोगों के प्रति एक दायित्व बनेगा कि हम लोग इस सीरीज को अच्छे से कंटिन्यू रखें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की जो हमारी क्लास है दोस्तों। हम लोग इस क्लास से आगे आने वाले 10 दिनों में जो यूपीएससी का ओपन टेस्ट हुआ था, आप लोग जानते होंगे कि 8 नवंबर को यूपीएससी का और यूपीएससी का दोनों का एक ओपन टेस्ट कराया गया था। और ये ओपन टेस्ट बायलैंग्वेज भाषा में था, हिंदी और इंग्लिश मीडियम। आप लोग देख सकते हैं जो क्वेश्चन दिए हुए दोस्तों ये दोनों भाषा में दिए हुए, ठीक है। साथ ही साथ इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो भी दोनों भाषा में उपलब्ध कराया गया। तो अब ये जो टेस्ट सीरीज है दोस्तों ये हिंदी मीडियम के साथ साथ इंग्लिश मीडियम के लिए भी अवेलेबल है। आप लोग दोनों ही जो मीडियम के दोस्त हमारे हैं वो दोनों टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न से और देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है, ठीक है। चलिए हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत में पर्यावरणीय अभिशासन, ठीक है, इन्वायरमेंटल गवर्नेंस, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तीन कथन दिया हुआ है, फिर से समझिएगा दोस्तों, यहाँ पर तीन कथन है। और यूपीएससी का जो सबसे टफ वाले क्वेश्चन आते हैं कि जहाँ पर तीन चार कथन दिए होते हैं और उसमें से आप लोगों को बताना होता है कि कौन कौन से कथन वहाँ पर सही दिए हुए हैं, ठीक है। देखिए पहला कथन क्या कह रहा है कि स्वस्थ पर्यावरण का जो अधिकार है वो एक न्यायोचित अधिकार है तथा यह केवल सर्वोच्च न्यायालय के रिट या आदेश द्वारा प्रवर्तनीय है। पहला स्टेटमेंट फिर से समझिएगा दोस्तों, कह रहा है कि राइट स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार, ठीक है, राइट ऑफ स्वस्थ इन्वायरमेंट, हेल्दी इन्वायरमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो एक न्यायोचित अधिकार है और उसके लिए केवल आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम लोग जब भी प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, जब भी एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वहां पर जो एक इंपॉर्टेंट बात है और यही होता है गेस करने का तरीका, आप लोग यहां से समझिएगा, ठीक है। आप लोग करना क्या है, जैसे ही आप लोगों के सामने केवल, ठीक है, या फिर सभी, ठीक है, या फिर नहीं, ऐसे कीवर्ड आए, आप लोगों का जो दोनों कान है वो एकदम खड़ा हो जाना चाहिए, ठीक है, एकदम कान एकदम अलर्ट कर लीजिए, अलर्ट मोड में आ जाइए। आप लोग समझ जाइए कि जो क्वेश्चन पूछने वाला है वो इन शब्दों के साथ आप लोगों को कहीं भटकाने का प्रयास कर रहा है, और अगर आप लोग ये बात समझ गए तो आप लोग क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन का आंसर है वो तुरंत पहुंच जाएंगे। देखिए कैसे यहां पर इसने एक साफ बात लिखी हुई है कि केवल सुप्रीम कोर्ट के रिट या आदेश के द्वारा प्रवर्तनीय है। आप लोग जानते होंगे दोस्तों कि जो स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार है वो राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है, ठीक है। आर्टिकल 21 के अंतर्गत जो मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट का जो कॉन्सेप्ट है, उसके अंतर्गत एक मौलिक अधिकार के अंतर्गत स्वस्थ पर्यावरण का जो अधिकार है उसको शामिल किया गया है, ठीक है, पहली बात। अब आप ये बात जानते हैं कि मूल अधिकार को, जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, उसको प्रवर्तनीय कराने के लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट दोनों में कहीं पर भी आप रिट दाखिल कर सकते हैं, मतलब दोनों के द्वारा कहीं से भी रिट दाखिल किया जा सकता है, ठीक है, रिट जारी किया जा सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पर जो केवल बात लिखी हुई है वो गलत है। केवल क्यों गलत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ यहाँ पर हाई कोर्ट भी होना चाहिए था। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत, ठीक है, ध्यान समझिएगा। और ये जो एमसी मेहता बनाम भारत संघ का वाद था उसमें ही आर्टिकल 21 के अंतर्गत मतलब स्वच्छ पर्यावरण को एक जीवन जीने का मौलिक अधिकार के अंतर्गत शामिल किया गया था, ठीक है, ये बात आप लोग समझिएगा। अच्छा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वन संरक्षण अधिनियम 1980, ठीक है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के अंतर्गत की बात कर रहा है, कह रहा है कि इसके अंतर्गत संरक्षित वनों में जंतुओं तथा वनस्पतियों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ NBWL, ठीक है, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की जो बात कर रहा है
कह रहा है वह वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत स्थापित किया गया था। तो ये बात आप लोग जानते होंगे दोस्तों कि जो 1972 का जो एक्ट आया था, ठीक है, क्या था, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ठीक है, उस अधिनियम के अंतर्गत NBWL की स्थापना की गई थी। ये बात आप लोग को ध्यान समझना है दोस्तों, ये जो NBWL नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, जो कि एक सांविधिक निकाय है, ठीक है, इसकी स्थापना वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत की गई थी, न कि वन्य संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत। तो सेकंड स्टेटमेंट भी यहां पर गलत हो गया। अच्छा, अगला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, कह रहा है कि वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत, ये वन अधिकार अधिनियम कौन सा है, ये है आपका 2006 वाला, ठीक है, जहां तक मैं सही हूं एग्जैक्टली, 2006 में अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियम आया था, ठीक है, जो कि 2006 का अधिनियम था। उस अधिनियम के अंतर्गत चिन्हित भूमि का जो विक्रय नहीं किया सकता, यह कहा गया, और कह रहा है कि किंतु इसे ग्राम सभा की पूर्व स्वीकृति से स्थानांतरित किया जा सकता है। यहां पर यह स्टेटमेंट है। तो आप लोगों को पता होगा दोस्तों, जो FRA आया था, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 आया था, उस अंतर्गत, उस एक्ट के अंतर्गत यह बात कही गई थी कि जो जमीन होगी, जो मान्यता प्राप्त भूमि होगी, न तो उसका विक्रय किया सकता है, न तो उसका हस्तांतरण किया सकता है, ठीक है, न तो वो आप किसी को बेच सकते, ना ही किसी को ट्रांसफर कर सकते। यह बात FRA 2006 के अंतर्गत कही गई थी, ठीक है। तो यह बात आप लोग ध्यान रखना दोस्तों, यह स्टेटमेंट भी यहां पर गलत हो गया। क्यों? क्योंकि इसको हम लोग स्थानांतरित भी नहीं कर सकते हैं, ये सिर्फ वंशानुगत ट्रांसफर हो सकती है। जैसे कि अगर आपके पिताजी के पास है तो यह ट्रांसफर होकर के आपके पास आ जाएगी, लेकिन ये किसी और को नहीं जा सकती है, ये बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, जो पर्यावरणीय अभिशासन, जो इन्वायरमेंटल गवर्नेंस के संदर्भ में 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है, वो तीनों स्टेटमेंट ही यहां पर गलत दिया हुआ है, ठीक। अच्छा, प्रश्न क्या पूछा हुआ है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो ये बात आप लोग समझिए दोस्तों, पहला स्टेटमेंट यहां पर गलत था, दूसरा भी गलत था, तीसरा भी गलत था। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, डी, इनमें से कोई भी जो विकल्प है वो सही नहीं दिया हुआ है। ये है पहला क्वेश्चन, आप लोग देख सकते हैं, ये ओपन टेस्ट में जो उनका पहला क्वेश्चन आया था उसका आप लोग लेवल देख सकते हैं, क्वेश्चन किस लेवल का यहां पर दिया गया था। और आप लोग विश्वास मानिए दोस्तों, यूपीएससी में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, हालांकि ऐसे क्वेश्चन की जो संख्या है वो कम होती है, ठीक है। तो जब आप लोगों के सामने समस्या क्या आती है ना, अगर आप लोग सामने पहला क्वेश्चन ऐसा आ गया, तब तो बाउंसर पड़ जाता है सर पर, ठीक है। लेकिन अगर माने किसी के पेपर में यह क्वेश्चन 100वें नंबर पर होगा, तो उसको उतना लोड नहीं होगा इस क्वेश्चन को देख करके, ठीक है। लेकिन जिसके पहले नंबर पर यह क्वेश्चन होगा, उसको लोड बहुत ज्यादा होगा। तो हम लोग को लोड लेना नहीं है, हम लोग को अभी बस प्रैक्टिस करते आनी है, ठीक है, ताकि एग्जाम के दिन आप लोग के सामने वो क्वेश्चन आए तो वैसा क्वेश्चन आप लोगों के लिए पहला क्वेश्चन ना हो, उससे कि उस तरह के कई क्वेश्चन आप लोग पहले देखे हुए हो, इसीलिए डेली अभ्यास की सीरीज स्टार्ट की गई है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, कि भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका की कार्यपालिका से पृथक्करण का प्रावधान किया गया है। मतलब अर्थात कह रहा है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका के जो शक्तियों का जो पृथक्करण किया गया है, ठीक है, अर्थात इसको क्या कहते हैं, सेपरेशन ऑफ द पावर, इसका जो कॉन्सेप्ट दिया गया संविधान में वह इन चारों में से किस में दिया गया। पहला है फंडामेंटल ड्यूटी, फिर है DPSP, फिर है प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और फिर है 7th शेड्यूल। कह रहा है कि इन चारों में से किस में सेपरेशन ऑफ पावर, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण की बात कही गई है। तो ये बात आप लोग ध्यान समझिएगा दोस्तों, फंडामेंटल राइट में भी ऐसी कोई बात नहीं है, ना ही प्रीएम्बल में ऐसी कोई बात है। अच्छा, प्रीएम्बल तो आप लोगों को याद होना चाहिए, मतलब शब्द टू शब्द सारे शब्द प्रीएम्बल के आप लोगों को याद होने चाहिए, जिस फॉर्मेट में लिखा है, अर्थात जो शब्द पहले जो शब्द बाद में वो भी पूरा याद होना चाहिए। देखिए, एक ही पेज का आपको प्रीएम्बल है, ठीक, उसमें भी गिन चुना के 25-50 शब्द होंगे, वो पूरा का पूरा प्रीएम्बल याद कर लीजिए, हर वर्ष उससे 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आता है। तो मतलब मैं आप लोगों के लिए बोनस क्वेश्चन बता रहा हूँ, अभी से बता रहा हूँ, अगर आप लोग प्रीएम्बल तैयार कर लेंगे तो आगे आने वाले आप कोई भी टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे वहां पर एक क्वेश्चन आप लोगों का बोनस सही हो रहा होगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो जो न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण है दोस्तों, वह आर्टिकल 50 अनुच्छेद 50 के अंतर्गत DPSP के अंतर्गत शामिल किया गया है, ये बात आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। कहता है DPSP का जो आर्टिकल 50 वो कहता है कि राज्य की लोक सेवाओं में, जो राज्य की पब्लिक सर्विसेज है, वहां पर न्यायपालिका एवं कार्यपालिका के मध्य शक्तियों का पृथक्करण बनाया गया है, जो कि आर्टिकल 50 के अंतर्गत समाहित किया गया है, ठीक है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है ज्योग्राफी का, बेसिक ज्योग्राफी क्वेश्चन है, थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसका आंसर सही दीजिएगा। अच्छा, इसका आंसर मेरे बताने से पहले आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ताकि मैं देख सकूं कि आप लोग इस क्वेश्चन को समझ पाए हैं कि नहीं समझ पाए, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इस बार तो साइंस एंड टेक में अगर आपने 2021 का पेपर देखा होगा तो वहां पर एक क्वेश्चन आया हुआ था कि प्रेशर कुकर
पर एक क्वेश्चन था, ठीक है। अच्छा, प्रेशर कुकर पर हम लोगों ने बेसिक बेसिक सारे क्वेश्चन देखे हुए हैं कि प्रेशर कुकर का जो क्वथनांक होता है वो ज़्यादा क्यों होता है, कम क्यों होता है, कैसे उसमें राइस पक जाती है, कैसे नहीं पकती है, हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ था। लेकिन वहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा था इस बार 2021 में, वो पूछा था कि जो उसका क्वथनांक है, जो बॉइलिंग पॉइंट है, वो किस पर डिपेंड करता है। और वहाँ पर एक ऑप्शन दे दिया था बस कि वेट ऑफ द लीड, जो लीड लगी होती है कुकर में, उसके वेट पर डिपेंड करता है। तो समझिए क्वेश्चन को कैसे वो वेरी करता है ना, क्वेश्चन के फॉर्मेट को कैसे चेंज करता है, वो हम लोग को पकड़ने की कला आनी चाहिए। तो उसके लिए आप लोग ये बेसिक क्वेश्चन पढ़िए। मैं इतना देर आप लोगों को इस क्वेश्चन में क्यों घुमा रहा हूं, ताकि आप लोग क्वेश्चन पढ़ सकें और आंसर आप लोग दे सकें, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। क्वेश्चन दोस्तों कि किसी निश्चित समय पर, ठीक है, किसी एट द सेम इंस्टेंट दो व्यक्ति प्रत्येक गोलार्ध में, अर्थात दो हेमिस्फीयर जो होता है पृथ्वी का, उन दोनों में 60 डिग्री अक्षांश रेखा पर भूमध्य रेखा की ओर मुंह करके आमने सामने खड़े हैं, ठीक है। चलिए मैं आप लोगों के लिए एक डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है। मान लेते हैं ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, गोल पृथ्वी भी मैं मान रहा हूँ। अभी आप लोग कमेंट में ये मत कहिए सर पृथ्वी गोल नहीं होती है, ठीक है। तो देखिए ये आपके मान लिया मैंने भूमध्य रेखा, ठीक। अच्छा, मान लेते हैं कि ये जो है वो 60 डिग्री की रेखा है, ये भी आपकी 60 डिग्री की रेखा होगी। अर्थात यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, और यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है, दोनों का फेस इस साइड है, ठीक है, भूमध्य रेखा की तरफ फेस है। अब कह रहा है कि वे निम्नलिखित में से किसके अथवा किनके संदर्भ में भिन्नता का अनुभव करेंगे, अर्थात डिफरेंस का अनुभव करेंगे, अर्थात इन चार जो यहाँ पर क्वांटिटी दी हुई है, इन चारों में से किसमें इन दोनों व्यक्ति को डिफरेंट रूप से महसूस कर रहे होंगे, अनुभव कर रहे होंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो आपका पहला विकल्प है, वह विकल्प दिया हुआ है ऋतु, ठीक है, अर्थात सीजन, मौसम की बात कर रहे हैं यहाँ पर। फिर कह रहा है ग्रही पवनों की दशा, जो डायरेक्शन ऑफ जो प्लेनेटरी विंड है, जो ग्रही पवने बहती हैं, हम लोग पढ़ते हैं भूगोल में जो पवने, जैसे कि व्यापारिक पवने हुई, पूर्वा पवने हुई, पछुआ पवने हुई, तो जो पवने बहती उन पवनों की बात कर रहा है कि उन पवनों की दिशा। फिर कह रहा है कि सूर्य की किरणों का झुकाव, जो सूर्य की आपतन किरणें होती, जो इंसिडेंट रे पड़ रहा होता है पृथ्वी पर, उसका झुकाव कैसा होगा। और फिर कह रहा था कि कोरियोलिस बल का जो प्रभाव है वो कैसा होगा, ठीक। अब फिर से आप लोग एक बात को समझिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, ध्यान समझिएगा, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे इंटरेस्टिंग लगा। इंटरेस्टिंग क्यों लगा, मैं अभी आप लोगों को समझाता हूँ कि इसका आंसर हम लोग कैसे दे सकते थे बहुत सिंपल तरीके से। चौथा जो विकल्प दिया दोस्तों, वो कह रहा है कोरियोलिस बल का प्रभाव। अच्छा, हम लोग कोरियोलिस बल के बारे में हम लोग एक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि यह वह बल होता है, वह फोर्स होता है, जो कि जब कोई व्यक्ति या वस्तु मूव कर रही होती है पृथ्वी के रिस्पेक्ट में, तब आता है, ठीक है। ध्यान समझिएगा, अगर कोई व्यक्ति या वस्तु पृथ्वी के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट पोजीशन पर, अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, स्थिर रुका हुआ है, तब यह कोरियोलिस प्रभाव, कोरियोलिस बल जो है, कोरियोलिस फोर्स है, वह एक्शन में नहीं आता। यह बात ध्यान समझिएगा, चूंकि ये दोनों व्यक्ति खड़े हैं, इसलिए इन दोनों व्यक्ति पर जो कोरियोलिस फोर्स होगा वह जीरो होगा। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप पृथ्वी पर खड़े हैं तो आपके ऊपर जो कोरियोलिस फोर्स लग रहा होगा वह जीरो लग रहा होगा, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर हो गई। अब चूंकि कोरियोलिस बल दोनों व्यक्ति के लिए जीरो लग रहा है, अर्थात इन दोनों में वो डिफरेंस, भिन्नता का अनुभव नहीं कर रहे होंगे, दोनों के लिए क्वांटिटी सेम होगी, अर्थात जहां जहां चौथा विकल्प होगा वो ऑप्शन गलत है, ठीक। तो अर्थात पहला विकल्प गलत हो गया और डी वाला विकल्प गलत हो गया। अब आप लोगों के सामने क्या बचा कि दो और तीन दोनों में कॉमन है, अर्थात बस हम लोग को एक वाले पर विचार करना है कि जो ऋतु है इसके संदर्भ में दोनों भिन्नता का अनुभव करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है। अब इस बात को आप ऐसे समझिएगा, जो पृथ्वी होती है दोस्तों वह थोड़ा सा अपनी अच्छी झुकान पर झुकी होती है, ठीक है। आप लोग जानते हैं पृथ्वी जो होती है वह थोड़ा सा झुकी हुई होती है। अब मान लीजिए अगर यहां पर आपका सन है, सूरज यहां पर आपका यहां पर अवस्थित है, तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में और इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में जो सूर्य की आपतन किरण होगी, जो इंसिडेंट रे हो रहा होगा, उसका जो एंगल होगा वो ऑब्वियसली डिफरेंस हो रहा होगा, उसमें अंतर आ रहा होगा, ठीक है। और चूंकि अंतर आ रहा है, इसी कारण से वहां पर जो ऋतु है, जो मौसम है, उसमें भी परिवर्तन का अनुभव होगा। आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं कि 60 डिग्री नॉर्थ हेमिस्फीयर और 60 डिग्री साउथ हेमिस्फीयर में जो मौसम होता है वो दोनों एक टाइम पर समान नहीं होता है। ये कॉमन साइंस की बात है, कॉमन जनरल स्टडी की बात है, तो ये भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो ऋतु में भिन्नता का अनुभव कर रहे होंगे, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, सी वाला। और ये जो क्वेश्चन था दोस्तों, ज्योग्राफी का बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है। हम लोग जब भी ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं, पृथ्वी के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं, वहाँ पर हम लोग जब जो प्लेनेटरी विंड्स होती है वहाँ पढ़ते हैं, तो वहाँ पर ये सब क्वेश्चंस बनते हैं। और देखिए उस क्वेश्चन को कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर बना के आप लोगों के सामने दिया गया है, ताकि आप लोग जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है पूरे कोरियोलिस फोर्स का और बाकी पृथ्वी का, वो आप लोग यहाँ पर समझ सकें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है,
कह रहा है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत के लिए निम्नलिखित में से कौन एक ब्लूप्रिंट बना था। ध्यान समझिएगा दोस्तों, क्वेश्चन अंग्रेजी शिक्षा की बात कर रहा है, ठीक है, क्वेश्चन अंग्रेजी शिक्षा की बात कर रहा है, पाश्चात्य या पश्चिमी शिक्षा की बात बिल्कुल नहीं कर रहा है, ठीक है, अर्थात वेस्टर्न एजुकेशन की बात यहां पर नहीं हो रही है, यहां पर बात हो रही है इंग्लिश एजुकेशन की, इंग्लिश मीडियम में जो एजुकेशन स्टार्ट हुआ था उसकी बात यहां पर की जा रही है। चार विकल्प आप लोगों के सामने दिया दोस्तों, पहला कह रहा है कि वुड्स डिस्पैच जो कि 1854 में आया था, ठीक है, अच्छा कह रहा है कि 1813 का जो चार्टर एक्ट था, फिर कह रहा है मैकाले मिनट्स, मैकाले मिनट्स आप मुझे लगता है 1824 के राउंड में आया होगा, ठीक है, 1824 के राउंड आया होगा, इस बार इसको आपने अगर कंफर्म करिएगा देख करके, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा 24। हंटर आयोग की जो रिपोर्ट थी 1882 में, अच्छा बहुत से लोग कंफ्यूज होंगे हंटर आयोग सर शिक्षा के लिए आया भी था कि नहीं आया था, ठीक है, ये बात आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हंटर आयोग जो है वो किस और अन्य कार्य के लिए बनाया गया था, ठीक है। एक हंटर आयोग 1882 में बना था, लॉर्ड रिपन के टाइम में, ठीक है, और वो अंग्रेजी शिक्षा के लिए बनाया गया था, लेकिन एक और हंटर आयोग की स्थापना की गई थी, और आप लोगों को कमेंट सेक्शन में यह बताना है कि उस हंटर आयोग की स्थापना कब की गई थी और क्यों की गई थी, ठीक है। चलिए हम वापस से क्वेश्चन पर आए थे दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत कब हुई थी। आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि 1813 का जो चार्टर एक्ट आया था वहां पर एक काम यह किया गया था कि 1,00,000 रुपए का प्रावधान रखा गया था, ठीक है, कि शिक्षा के लिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो 1,00,000 रुपए का प्रदान करेगी, 1,00,000 रुपए खर्चा करेगी शिक्षा के क्षेत्र में। लेकिन यहां पर विवाद हो जाता है किसमें दो समूहों में, एक होता है आपका आंग्लवादी और दूसरा होता है प्राच्यवादी, इन दोनों समूहों में कुछ विवाद हो जाता है। विवाद क्यों होता है, वो इस वजह से होता है कि आंग्लवादी कहते हैं कि जो शिक्षा का प्रसार किया जाए वो इंग्लिश मीडियम में किया जाए, लेकिन जो प्राच्यवादी रहते हैं वो ये कहते हैं कि नहीं, इंग्लिश जो शिक्षा का प्रसार है वो भारतीय भाषा में, संस्कृत में, हिंदी में, यहाँ की जो लोकल भाषा है उसमें किया जाना चाहिए, ठीक है। और यही विवाद के कारण यह जो 1813 में 1,00,000 रुपये का प्रावधान किया गया था वह कभी यूज़ नहीं हो पाया, और इस 1,00,000 रुपये को यूज़ करने के लिए कमेटी बनाई गई थी, जनरल कमेटी ऑफ द पब्लिक इंस्ट्रक्शन, और इसी को ध्यान में रखते हुए 1824 के राउंड में मैकॉले के द्वारा, लॉर्ड मैकॉले जो थे उन्होंने मैकॉले मिनट्स दिया था, और उस मिनट्स में उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के लिए क्या प्रावधान किए जाना चाहिए, क्या नहीं किया जाना चाहिए, उसका पूरा कॉन्सेप्ट इस परिषद के सामने इन्होंने रखा था। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना दोस्तों कि जो मैकॉले मिनट्स है वो अंग्रेजी शिक्षा के लिए शुरुआत करने के लिए लाया गया था, ठीक है। चलिए, दरअसल मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, इस वजह से मुझे लगता है कि कुछ सब गायब हो जा रहे हैं बोलते समय, ठीक है, तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा, मैं इसको थोड़ा सही करता हूँ, और इसी वजह से आप लोगों की वीडियो आने में थोड़ा लेट भी हो गया, दरअसल मेरी तबीयत खराब हो गई, अच्छा बाकी टीम थोड़ा व्यस्त हो गया अन्य कार्यों में, तो सबने ये कहा कि सर आप ही कंटिन्यू कर दीजिए, मैं कंटिन्यू करने वाला था लेकिन मेरी तबीयत खराब हो गई, तो इस वजह से मैं थोड़ा कंटिन्यू नहीं कर पाया, ठीक है, लेकिन हाँ अब मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। आप लोग इसको थोड़ा सा आगे बढ़कर के पार्टिसिपेशन कीजिए इन सारी सीरीज में, आप लोग थोड़ा लाइव देखिए, लाइव कमेंट करिए, आप लोग आंसर बताइए कि सर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में राज्य के DPSP नीति निर्देशक तत्वों द्वारा निम्नलिखित में से किन भूमिकाओं की निर्वहन की परिकल्पना की गई है। अर्थात क्वेश्चन सिंपल है, क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से DPSP के द्वारा किन भूमिकाओं की निर्वहन की परिकल्पना की गई है, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दे रहे हैं, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को मैं पढ़ दे रहा हूं, आप लोग एक बार देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है फिर से, सरकार की नीतियों में स्थायित्व बनाए रखना, DPSP का क्या कार्य है, जो DPSP जोड़ा गया संविधान में इसका कार्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसको समझिए फिर से। कह रहा है कि सरकार की नीतियों में स्थायित्व बनाए रखना, ठीक है, अर्थात जो जैसे समझिएगा समस्या क्या आती है, मानिए आज BJP गवर्नमेंट है, ठीक है, और BJP गवर्नमेंट है, जो मोदी गवर्नमेंट है, जो RSS है, इनका जो कॉन्सेप्ट है, मानिए इसने कुछ अपने अनुसार एक फॉरेन पॉलिसी बनाई, अमेरिका के साथ कुछ गठबंधन किया, कुछ समझौता किया, अब मानिए बाद में आपकी आ गई कोई कांग्रेसी गवर्नमेंट, उसने कहा कि नहीं मुझे इस पॉलिसी को पूरी तरह से रिजेक्ट करना और नई पॉलिसी बनानी है, तब USA क्या करेगा, USA क्या करेगी, तो भारत वाले जो है ये तो किसी भी बात पर टिके ही नहीं रहते, यहाँ पर गवर्नमेंट चेंज होगी तो पूरी की पूरी बात ही चेंज हो जाती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माताओं ने क्या किया कि संविधान में DPSP का कॉन्सेप्ट लेकर के आया, अर्थात हमारी जो पॉलिसी है वो मोटे मोटे लेवल पर, देखिए बहुत बड़े लेवल पर एक तरीके से चलती रहे, मतलब एक डायरेक्शन में चलती रहे, थोड़ा बहुत इधर उधर गवर्नमेंट चेंज के साथ होता रहे ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरी पॉलिसी ही हम आकर के चेंज कर दें। तो सरकार की नीतियों में स्थायित्व बनाए रखने के लिए DPSP का कॉन्सेप्ट लेकर के आया गया था, ठीक है, यह बात तो सही है। अच्छा अगला कह रहा है कि सरकार की नीतियों की परीक्षण हेतु विपक्ष को सक्षम बनाना, तो आप लोग जानते होंगे कि DPSP जो है वो जो विपक्ष की पार्टियां होती हैं, जो अपोजिशन में बैठी हुई दल होती है, उनको यह अधिकार देती है कि आप
इस पॉलिसी के आधार पर सरकार का विरोध कर सकते हैं कि सरकार जो है डीपीएसपी के इस कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं कर रही है, ठीक है। हालांकि डीपीएसपी कानून के द्वारा प्रवर्तन ही नहीं है, लेकिन आप उसको मुद्दा बना सकते हैं, जनता के बीच में जो है ले जा सकते हैं, जनता के बीच आगे कह सकते हैं कि देखिए ये समस्या अभी जो संविधान सरकार बैठी हुई है उसके द्वारा लाई जा रही है, ठीक है। तो यह बात मेरे हिसाब से सही है। अच्छा, अगला कह रहा है कि मूल अधिकारों के पूरक के रूप में कार्य करना। तो आप लोग जानते हैं दोस्तों कि जो डीपीएसपी है वो पूरक के रूप में कार्य करती है। क्यों कार्य करती है? आप लोगों को पता होगा कि निशुल्क विधि की सहायता प्राप्त करने का अधिकार हुआ, वह भी एक फंडामेंटल अधिकार नहीं है, लेकिन वह एक पूरक अधिकार के तौर पर कार्य करता है। तो ये तीनों ही कथन जो है दोस्तों वह डीपीएसपी की भूमिकाओं को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेरे हिसाब से क्या इसका सही आंसर हो गया? डी वाला, ठीक है। तो डीपीएसपी की तीनों भूमिकाएं सही मानी जानी चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, फिर से देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। नामेरी, दम्फा, पलामू, चार टाइगर रिजर्व का नाम दिया हुआ है। कह रहा है किस किस पहाड़ियों पर अवस्थित है। तीन विकल्प है आप लोगों के सामने, मिस्पी पहाड़ियां, डफला पहाड़ियां और कैमूर पहाड़ियां। अच्छा, इनका मिलान नहीं करना है, ये बताना है कि नामेरी मिस्पी सही है कि नहीं है, दम्फा डफला सही है कि नहीं, और पलामू कैमूर सही है कि नहीं सही है, ठीक है। तो जो पलामू की जो पलामू टाइगर रिजर्व है दोस्तों, ये पलामू की पहाड़ी छोटा नागपुर के पास पड़ता है, मुझे लगता है झारखंड में पड़ता होगा, ठीक है। और जो ये कैमूर पहाड़ियाँ दिया हुआ है दोस्तों, ये तो यहाँ पर है ही नहीं, ठीक है। तो ये वाला भी गलत हो गया, ठीक है। पलामू झारखंड में ही तो कन्फर्म है, ठीक है। अच्छा, दम्फा जो है दोस्तों, दम्फा आपका पड़ता है मिजोरम के आसपास, मिजोरम में पड़ता है। और डफला पहाड़ियाँ, अच्छा डफला पहाड़ियाँ ये भी यहाँ पर नहीं पड़ेगा, ठीक है, ये भी गलत है। नामेरी असम में, और मिस्पी पहाड़ी आपका पड़ जाएगा अरुणाचल प्रदेश के साइड में, तो यह भी मेरे हिसाब से गलत है। तो ये तीनों ही गलत है, ठीक है। अच्छा, इसका आंसर मैंने भी देखा नहीं है अभी, इसका आंसर मुझे लगता है डी होना चाहिए। आप लोग इसका एक बार कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। देखिए, दरअसल मैं आपको एक बात समझाता हूँ, इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए इसको, मैं उसके बारे में आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, दरअसल मैं इस क्वेश्चन को यह सोचा था कि मैंने इसको आप लोगों को मैप पर ले आकर दिखाऊंगा प्रॉपर, लेकिन मुझे ध्यान में नहीं आया, जब मैं वीडियो बनाने स्टार्ट किया तो मुझे ध्यान में नहीं आया कि ये क्वेश्चन भी मैंने अभी दिया हुआ है। दरअसल आप लोग क्या करिए, अभी तुरंत एक मैप खोलिए, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के पास एक तो मैप की जो बुक आती है, ऑक्सफोर्ड की या फिर ब्लैक स्वान की जो भी बुक आती है, वो बुक आप लोगों के पास होगी। अगर नहीं है, आप लोग गूगल में जाइए तुरंत, ठीक है, सर्च करिए मिस्मी पहाड़ियाँ कहाँ पर है, डफला पहाड़ी कहाँ पर है, कैबूर पहाड़ियाँ कहाँ पर है। इन तीनों की प्रॉपर जो है आप लोग लोकेशन सर्च करिए, देखिए कि तीनों की लोकेशन कहाँ कहाँ पर अवस्थित है, ठीक। अच्छा, फिर नामेरी, जैसा कि आपको नामेरी पता है असम में, दम्फा आपका कहाँ हो गया मिजोरम में, पलामू आपका हो गया झारखंड में। तो ये तीनों टाइगर रिजर्व किस स्टेट में, ये तो पता है। इन तीनों की लोकेशन एक बार आप लोग सर्च कर लीजिए, फिर आप लोगों को समझ में आ जाएगा इसका तो मैच का कॉलम दिया हुआ वो सही है कि नहीं सही है। और ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का तरीका भी यही होता है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ये तीनों टाइगर रिजर्व कहाँ पर है उसका नाम याद कर लीजिएगा, और आज के बाद आने वाले जितने भी आप टेस्ट देने वाले हो, 30, 32, 35, 40 जो भी आप टेस्ट देने वाले हो, उन टेस्ट में जितने भी टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क का नाम आएगा उनकी लोकेशन आप लोग याद करते रहिएगा, ठीक है। याद करने का यही तरीका है। अगर आप लोग ऐसे बैठोगे कि नहीं सर, आज में जितने भी 52 टाइगर रिजर्व के नाम दिए, 52 टाइगर रिजर्व हैं, उन सबके नाम जो है याद करके एक साथ बैठ जाऊंगा, तो वो याद नहीं होने वाला, ठीक है। जितने आपके क्वेश्चन पेपर में आपके सामने आता रहे, करंट अफेयर्स में सामने आता रहे, उसको नाम आप लोग याद करते चलिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, कि भारत के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में निस्क सतमान और कृष्णल निम्नलिखित में से किसके विभिन्न प्रकार हैं, ठीक है। चार विकल्प हैं, एक है राजनीतिक संगठन, फिर कह रहा है सिक्का, मृदा और वैदिक ग्रंथ। कह रहा है कि इन चारों में से निस्क, सतमान और कृष्णल ये किसके प्रकार है, ये आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। देखिए, ध्यान समझिएगा दोस्तों, जो वैदिक युग था, दरअसल उस समय जो व्यापार होता था वो जनरली वस्तु विनिमय प्रणाली पर होता था, ठीक है। वहाँ पर अर्थात एक वस्तु दे करके, जैसे गांव में अगर आप पहले के अपने पेरेंट्स से हम लोग डिस्कस कर करके, मेरे पिताजी बैठ कर बताते हैं, तो वहाँ पर आइसक्रीम लेने के लिए, ठीक है, जो एक रुपये वाली या फिर पहले जो बहुत सस्ती आइसक्रीम आती थी, उसके लिए मुट्ठी पर गेहूँ लेकर के लोग जाते थे और वो आइसक्रीम खरीद करके लेते आते थे, ठीक है। तो वो वस्तु विनिमय की जो प्रणाली है, वो प्रणाली जो है अब वैदिक युग में जब समाप्त हुई, तो उसके बाद तीन चार प्रकार के सिक्के आए, जिन सिक्कों में एक का नाम था निस्क, फिर सतमान, फिर कृष्णल, ठीक है। तो ये सिक्के आप यहां पर देख सकते हैं, इसका सही आंसर क्या हो गया, बी वाला, ठीक है। अर्थात निस्क, सतमान और कृष्णल जो है वो वैदिक युग के एक प्रकार के सिक्के थे जो उस काल में प्रचलित हुए थे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, कि भारत में ब्रिटिश शासन के अधीन 1920 के दशक के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक आंदोलन भारत में जातिवाद के उन्मूलन से संबंधित था, ठीक है। तीन विकल्प आप लोगों के सामने दोस्तों हैं, पहला है वाइकुंठ सत्याग्रह, अकाली आंदोलन और आदि हिंदू आंदोलन। आप लोगों को यह बताना दोस्तों
कि निम्नलिखित तीन आंदोलन में से कौन से आंदोलन ऐसे थे जो कि जातिवाद से संबंधित थे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जातिवाद की बात यहां पर कर रहा है, धर्म की बात नहीं कर रहा है, ठीक है। अब अगर आप लोगों को पता होगा दोस्तों, तो अकाली आंदोलन, मुझे लगता है इसके बारे में सबको पता होगा। जो अकाली आंदोलन था दोस्तों, यह एक प्रकार का सिख धर्म सुधार आंदोलन था। अर्थात सिख धर्म में उस समय जो भी भ्रष्टाचार व्याप्त था, जो सिख धर्म के जो महंत बैठे हुए थे, वो लोग दारू पीते थे और अन्य प्रकार की कुरीतियों में इन्वॉल्व थे, तो उनको हटाने के लिए एक आंदोलन चला था जिसका नाम था अकाली आंदोलन। 1922 में आंदोलन हुआ था और इसी को ध्यान में रखते हुए 1925 में एक एक्ट आया था, सिख गुरुद्वारा अधिनियम 1925, ठीक है। और इसी के द्वारा बाद में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति SGPC का निर्माण किया गया था, ठीक है, जो अभी भी विद्यमान है। तो आप लोग ध्यान समझिए दोस्तों, अकाली आंदोलन धर्म से संबंधित था, न कि जातिवाद के उन्मूलन से संबंधित था, ठीक है। तो अब सेकेंड वाले ऑप्शन को जैसे ही एलिमिनेट कर दोगे, आप देखो आपके सामने सिर्फ दो विकल्प बचा है, अर्थात ए या बी में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। अच्छा, अब देखिए फिर समझिएगा, ये जो KBC में अमिताभ बच्चन जी 50% वाला किस्सा कराते ना, 50-50 वाला, वो कॉन्सेप्ट यहां पर हो गया कि ए और बी में से कोई एक विकल्प आप लोगों के सामने सही है। अब देखिए वाइकुंठ सत्याग्रह, आप लोगों को पता होगा दोस्तों 1924 के अराउंड में ये एक प्रकार का मंदिर प्रवेश, देखिए उस समय क्या था ना कि श्री नारायण गुरु के द्वारा मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाया जा रहा था, ठीक है। उसी को ध्यान में रखते हुए KP केशव के द्वारा 1924 में ही वाइकुंठ सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी। और सबसे बड़ी बात दोस्तों यह है कि इसमें महात्मा गांधी जी के द्वारा भी समर्थन प्रदान किया गया था और उन्होंने इसी आंदोलन, इसी सत्याग्रह को समर्थन करने के लिए केरल में एक यात्रा भी की थी। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जो वाइकुंठ सत्याग्रह है दोस्तों, वह मंदिरों में जो अस्पृश्य लोग हैं उनको प्रवेश दिलाने के लिए आंदोलन था, ठीक है। केरल में यह आंदोलन हुआ था, 1924 में हुआ था, ठीक है। तो पहला सही हो गया। फिर कह रहा है आदि हिंदू आंदोलन। जो आदि हिंदू आंदोलन दोस्तों, वह आंदोलन ऐसा आंदोलन था, यह आंदोलन यह कहता था कि जो अस्पृश्य लोग हैं, जो जिन लोगों को हम लोग छुआछूत, मतलब कहते हैं ना कि जातिवाद का जो कॉन्सेप्ट था, जो निचली जाति मानी जाती थी, वो लोग एक समय पर भारत में शासन करते थे, इस कॉन्सेप्ट के साथ आदि हिंदू आंदोलन की स्थापना हुई थी, शुरुआत किया गया था और इसने भी जातिवाद को समाप्त करने के लिए प्रयास किया था, ठीक है। तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा, थर्ड वाला विकल्प भी सही। इसका आंसर क्या होगा, बी, 1 और 3 दोनों यहां पर सही है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आपातकाल का प्रभाव नहीं है। फिर समझिए दोस्तों, मैंने कहा था जैसे ही नहीं वर्ड आएगा, अपने दोनों कान एकदम एक्टिव मोड में कर लीजिएगा, ठीक है। कह रहा कि आप राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी का कौन सा प्रभाव नहीं है। चार विकल्प आप लोगों के सामने हैं। एक है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किसी राज्य विधायिका की विधायी शक्ति को निलंबित कर दिया जाता है, पहला विकल्प। दूसरा कह रहा है कि संसद की एक विधि के द्वारा विधानसभा के कार्यकाल को उसकी समान अवधि से आगे बढ़ा सकता है, तो यह कथन तो सत्य है। फिर कह रहा कि संसद को राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधि बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता, तो यह भी कथन यहाँ पर सत्य दिया हुआ है। फिर कह रहा कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान केंद्र किसी भी मामले में किसी राज्य को कार्यकारी निर्देश दे सकता है, तो यह भी कथन सत्य है, ठीक है। सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, अगर आप लोगों को नेशनल इमरजेंसी का टॉपिक नहीं पढ़ा है आप लोगों को क्या करना है, तुरंत ध्यान समझिएगा, तुरंत लक्ष्मीकांत की पॉलिटी की बुक खोलिए, ठीक है, या फिर जहां भी आपने नोट्स बनाया होगा तुरंत राष्ट्रीय आपातकाल का टॉपिक को पढ़ डालिए, ठीक है। यहां पर देरी नहीं करनी। और मैं फिर से कह रहा हूं, बार बार बहुत से लोग पूछते हैं कि सर मैंने लक्ष्मीकांत तो पढ़ लिया लेकिन मुझे कोई कुछ याद नहीं रह गया, तो मैं क्या करूं, क्या मैं फिर से लक्ष्मीकांत को पढ़ लूं। तो देखिए फिर से लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ना है हम लोगों को। अब क्या करिए, जैसे ही आप लोग सामने कोई क्वेश्चन आता है पॉलिटी का और आप लोग को समझ में नहीं आता, आंसर नहीं समझ में आता है, तुरंत लक्ष्मीकांत खोलिए, पुनः उस बुक के टॉपिक को पढ़िए और देखिए कवर करिए कि हाँ ये टॉपिक में क्या गलती रह गई थी, क्यों मुझे कॉन्सेप्ट याद नहीं आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ भी वही चीज़ करनी है। आप लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राज्य विधायिका की जो शक्ति है उसको निलंबित नहीं किया जाता है, हालांकि जो केंद्र, जो संसद होती है उसको अधिकार प्राप्त हो जाता है। संसद चाहे तो राज्य के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है लेकिन निलंबित नहीं होती सकती, जब तक कि निलंबित न किया जाए, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इसका आंसर, पहला आंसर है दोस्तों वह गलत है, बाकी तीन कथन यहां पर सही दिए हुए हैं, ठीक। अगला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों क्या है, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दोगे, इस क्वेश्चन को मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर कमेंट सेक्शन में प्रॉपर दीजिएगा। क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है कि 1924 में गठित ली कमीशन का जो उद्देश्य था वह क्या था। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ली कमीशन ऑफ द 1924 वाज, पहला विकल्प कह रहा है कि भारत सरकार की उच्च लोक सेवाओं की निर्जाती संरचना पर विचार करना। फिर कह रहा है कि भारत सचिव के अवशिष्ट क्षेत्राधिकार को परिभाषित करना, राष्ट्रीय प्रेस पर सेंसरशिप लागू करना और भारत सरकार और भारतीय रियासतों के मध्य संबंधों में सुधार करना।
इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में प्रॉपर दीजिएगा और बताइएगा कि यह सीरीज आप लोगों को कैसी लग रही है। हम लोग इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, आप लोग समर्थन दीजिए, कंटिन्यू लाइक करते रहिए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करिए। यह सीरीज में हम लोग और क्या सुधार करें इसको बताइएगा। देखिए आप लोग कई बार कह रहे थे और मैंने प्रयास भी किया था कि आप लोग कहते सर यह सीरीज थोड़ी छोटी रखिए, ठीक है, आधे घंटे की मत बनाइए। लेकिन समझिएगा दोस्तों, हम लोग इस सीरीज के माध्यम से हम सिर्फ 10 क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम लोग 10 टॉपिक को पढ़ रहे। जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने वायकोम सत्याग्रह सही से देखा, अकाली आंदोलन, आपका जितने भी हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं दोस्तों, उन टॉपिक को लोग बेसिक से पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। यही कारण है कि थोड़ा सा वीडियो की लंबाई लंबी हो रही है, ठीक है। लेकिन जैसे ही 10-15-20 वीडियो बीतेगा और टॉपिक रिपीट होने लगेंगे, जैसे कि मैंने अगली बार फिर से वायकोम सत्याग्रह पर कोई क्वेश्चन आता है तो मैं उसको वहां पर डिटेल में नहीं बताऊंगा, मैं कह दूंगा सर मैंने इसको ऑलरेडी पहले डिस्कस किया हुआ है, तो आप लोग ज़्यादा परेशान मत होइएगा, ठीक है। तो अभी क्लास जैसी बन रही है उसको आप लोग देखिए, आप लोग बताइए कुछ चीज़ छूट रही है, समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही है, कैसा आप लोगों को लग रहा है पूरा कमेंट सेक्शन में व्यू दीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद दोस्तों।